नोटिस बोर्ड के मेंबर्स का हार्दिक अभिनंदन। सैंडमैन आंसल हियर, आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। टुडे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जलंधर हेल्ड ए सेमिनार एंड अवेयरनेस कैंपेन एट रेड क्रॉस भवन इन जलंधर सिटी, वेयर देयर स्लोगन वाज जिंदगी नू हां ते प्लास्टिक नू ना, अंडर ए प्लास्टिक मुक्त जलंधर अभियान। दैट वाज देयर टैगलाइन। द न्यू डीसी मिस्टर जसप्रीत सिंह IAS एंड अ न्यू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर मिस्टर देवेंद्र सिंह वर आल्सो इन अटेंडेंस एंड वर ग्रीटेड बाय म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एम्प्लॉइज। गोविंदर रंधावा जी, सारे सेंट्रल इंस्पेक्टर, सभी हेल्थ डिपार्टमेंट जुड़ा है, डॉक्टर श्री कृष्ण, डॉक्टर सुमिता अग्रोल जी, मैडम मोनिका सेकरी जी, आयुष स्वच्छ भारत की सारी टीम, सारे का बहुत बहुत स्वागत। तो अज असी प्लास्टिक, खास तौर के उपर सिंगल यूज प्लास्टिक के उपर जरा पूरी तरह प्रतिबंध लग गया है, रोक लग गई है, उस बारे कानून की कहता है और सिंगल यूज प्लास्टिक के नुकसान की असं सारे जानते हाँ। तो ये नाल ही अच्छ असी भी जानना है कि एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते साड़ी जिम्मेदारी बन गई है। तो मैं गुजारिश कर दी हाँ स्वच्छ भारत मिशन के नोडल ऑफिसर डॉक्टर श्री कृष्ण जी को कि वो साढ़े नाल इस बारे सिंगल यूज लफाफा लिया कार्बन छोड़ दिता, प्लास्टिक चला गया। उस तो बाद तुसी देख लो डिस्पोजेबल कप्स, उन्होंने की हालात पैदा किए हुए। ये बेचारे एलीफेंट है, शायद जी शहर एक या दो एलीफेंट आ जाए बच्चे बड़े खुश होंगे है, वो बेचारे अभी खुवादे की पी, जस्ट वी आर गिविंग द प्लास्टिक। जी अजक डिस्पोजल प्लेट प्लास्टिक चल रही हैं, नॉन रीसाइकलेबल प्लास्टिक टेक अ लोंग टाइम टू डीकंपोज। चलो अभी मान भी लेंगे कि डीकंपोज हो जाएगा, जिस तरह की खाना सा डीकंपोज होंगे, लाइफ तुम देख के हैरान होवोगे। प्लास्टिक का जरा सा कप है, इट टेक्स 50 ईयर्स। देखा किसी ने नहीं, एक साइंटिस्ट का रिसर्च है। जो असी गल करिए सिगरेट, सिगरेट भी जो आप गल करा, एक साल तो लेकर 5 साल तक डीकंपोज होगी। सिगरेट लोग जो स्मोक करते हैं उन्होंने यह नहीं पता है कि यदि जी डीकंपोज छुट देंगे हैं, वो उत्ते भी रिसर्च है, साढ़े को PPT है, असी देखा है, उन्होंने भी डीकंपोज होने वास्ते 5 साल लगते हैं। देखने में बड़ा छोटा जहा दोस्तों लगता है, लेकिन यह गहराई समझो, ये असी बैठ के डिजाइन किया। मैडम रमनप्रीत है जो इतने बोल रहे सन, साढ़े को CF का काम भी कर रहे हैं, अपने करते थे, उन्होंने अपनी एक NGO चलाई है कपड़े उत्ते, वेस्ट कपड़े उत्ते, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। ये सोच थी कि जिंदगी नो हाँ तो प्लास्टिक नो ना, जी जिंदगी जीनी है, जे अपनी आने वाली जनरेशन असी जिंदगी जी देनी है, जी देनी है मतलब जिंदगी नो हाँ, मतलब जे असी सैग्रीगेशन करिए, देखोगे 3 बिंग्स है, सैग्रीगेशन करिए, कूड़े को अलग अलग तरह 3 हिस्से वंडिए, और उस तो बाद असी जोड़ा है कपोस्ट नए तरह के थैले का इस्तेमाल करिए। 10 दिन जो रह सकता है तो प्लास्टिक के नाम 2 दिनों के बीच ही बनता रहेगा। प्लास्टिक स्पून फॉक्स की जगह के उत्ते अजकल लकड़ के बड़े अच्छे चम्मच आ गए हैं, फॉक्स आए हैं, उस तरह ही कि प्लास्टिक बैग है वह बनों तैयार नहीं होंगे, लेकिन इट इज़ वेरी क्लियर कि वह प्लास्टिक बैग ही है, उन्हें इस्तेमाल ही करना है, उन्हें असं इस्तेमाल करना है। कागज़ के बैग, पेपर बैग यूज करने हैं, उसके बाद असी जरा है वह मोटे गत्ते के बैग आते हैं, वह भी इस्तेमाल करते हैं, कपड़े के बैग इस्तेमाल करते हैं, रिफ्यूज की करना है प्लास्टिक प्रोड्यूस बैग जोड़े असी आम इस्तेमाल करते रहे हैं, बैग पहले ही दस चुका हाँ, वो जगह रीयूजेबल जो घर इस्तेमाल करने हैं, तो असी क्लॉथ बैग यूज करिए, बाजार सब्जी लैन जाते हैं तो कपड़े के बैग लैके जाइए, एक फटा बैग, छोटे छोटे बैग 5-7 हज़ार पा के लिजा सकते हैं, जेडे कि अभी पिछले अवेयरनेस वास्ते
अवेयरनेस की है और उस वे दस भी है। मेरी रिक्वेस्ट ये जरूर रहेगी कि अभी इस बैन को इनफोर्स करने ज़्यादा तो ज़्यादा कोशिश करिए कि पहल वालों पिछले 26 साल तो क्लिनिनेस के उ प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के उत्ते वेस्ट मैनेजमेंट के जनरल बहुत सारे अवेयरनेस कैंप जोड़े और लगाए गए हैं, बहुत सारा काम जोड़ा है टाइम टू टाइम किया गया है। तो एक चीज़ रही है कि असी पिंडा के जाके वक् वक् स्कूलों कॉलेजों के जाके इलैक्ट्रॉनिक वेस्ट के उत्ते प्लास्टिक वेस्ट के उत्ते अवेयरनेस से बहुत सारा काम किया, लेकिन नाल इनफोर्समेंट के काम भी जोड़ा है बहुत जरूरी है। तो रिसेंटली एक प्रोजेक्ट प्रपोजल जोड़ा है वह मैं प्रजेंट किया जी ड्राई वेस्ट में प्लास्टिक वेस्ट रीसाइकलिंग के उत्ते काम करना चाहते हैं। मेरी रिक्वेस्ट होगी कि प्लास्टिक वेस्ट रीसाइकलिंग के उत्ते या कलैक्शन के उत्ते भी बहुत जोड़ा है वो काम किया जाए, क्योंकि इस करके ये बेनती है कि ये जोड़ा प्रोग्राम चल रहा बहुत वधिया अच्छा प्रोग्राम है असं तरीफ करते हैं, लेकिन लगाम लगाम की जरूरत उन्होंने व्डिया व्डिया फैक्ट्रिया की है, उन्होंने फैक्ट्रिया के उत्ते क्यों नहीं मतलब कि यह कार्रवाई होंगी कि जेडे वे वे पैकेट जोड़े आज देते एन जी ओ का नाम एक्शन ग्रुप अगेंस्ट प्लास्टिक पोल्यूशन है। साड़ी एन जी ओ पल्लवी मैम से मैं पिछले बैठे ने असी रिप्रजेंट कर रहे हैं एक्शन ग्रुप अगेंस्ट प्लास्टिक पोल्यूशन। सो साडा एक मस्जिद मकसद जोड़ा है वो है कि जे इनू असी एक साल के उत्ते काम कर रहे हैं बिफोर जुलाई 1st साडा एक प्रेमिस हैगा है कि इनफोर्समेंट 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 आ रहे हैं सानू सॉलिड इनफोर्समेंट स्टेप्स जनरल ही चाहिए ने। द ओनली वे टू गेट इनफोर्स ओनली वे टू मेक दिस सक्सेसफुल ये उदो ही सफल होएगा जरा कि जुलाई का बैन जरा सेंटर ने डंडे मार के शुरू किया क्योंकि स्टेट्स कुछ नहीं कर पाई हां इंटरनेट के जरिए दूर दूर तक भी पहुंचाते हैं, तो गुजारिश करो ही सिर्फ 2 मिनट का समय। मेरी प्यार बड़ी सत श्रीकाल नमस्कार आदाब, मेरा नाम संदीप बांसल है, मैं के गया पिकवे होम नोटिस बोर्ड जलंधर बाइकिंग लोधा वालों रिप्रजेंट कर रहे हैं सारे। मैं सिर्फ तो इको ही चीज़ कहना चाहता हाँ, असं पिछले 8-10 महीनों तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हाथ ना हाथ जोड़ के काम कर रहे हैं। हेल्थ ऑफिसर श्री कृष्ण शर्मा जी के नाल असी पिकरे होम सुखविंदर लाली खालसा कॉलेज दिया टीम्स है वो प्रोफेसर है उन्होंने स्टूडेंट्स के नाल असी अभियान किए अवेयरनैस अभियान किए हैं अदरवाइज वो असी श्री कृष्ण शर्मा जी के नाल उन्होंने टीम जो नवे इंस्पैक्टर साहब आए हैं निगरान सर उन्होंने गए वी वेंट टू एवरी सिंगल शॉप तो 50% प्लास्टिक यूज हो रहा है 50% लोग जागरूक से। सो अवेयरनैस इज ए की फैक्टर कि असी अवेयरनैस जरूर फैलानी है, इनफोर्समेंट इज अ सैकेंडरी इशू वो भी सानू करना पड़ा नाल नाल। दिस इज ए हैंड इन हैंड ए कलैक्टिव एफर्ट बिटवीन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जलंधर आवर रिस्पेक्टेबल एन जी ओज लाइक ए गैप लाइक पिकवे होम नोटिस बोर्ड जलंधर इज वेरी एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग एंड हाईलाइटिंग द इशूज इन द सिटी एंड वी विल कीप ऑन हाईलाइटिंग इट इफ देयर इज समथिंग रॉन्ग we will bring it up to your attention, but we want to work together. All the NGOs want to work together, so I want to bring Pickway Home members who are here. If they want to speak a couple of words, please come by. And I thank you and I welcome the new Commissioner, Municipal Commissioner, sir. Thank you and welcome to the city. We will come each one of these cities. Thank you. Pickway Home will be done so that this is our mission. We need to know the right things and the right things. We need to know the right things. वो कला जो मैं कही कॉरपोरेशन कमिश्नर जो कल डिप्टी कमिश्नर या कल एन जी ओ जुड़े आ वो नहीं कर पाएंगे। लोगों को कि ना कि मोटीवेट करना पेगा, लोगों की जी अंतर आत्मा जी जो आप कहने सोल जी हैगी ना कि जोड़नी पेगी जी, लोगों को इस मिशन के जोड़ना पेगा। इट इज़ नॉट ईजी, वी विल हैव टू वर्क टूगैदर परसिस्टेंटली कंटीन्यूसली विदाउट इंटरप्शन। सो
आई थिंक जिहड़ा काफला अज शुरुआत आपां इहदी कीती है ते मैनूं बहुत सारे मेरे ऑफिसर साहबान कह रहे सी कि जी थोड़ा टाइम दे दिओ कि ऑर्गेनाइज करन दे विच दिक्कत आएगी शॉर्ट नोटिस ते। सो मैं समझदा कि अज इन्ने लोग भी आपां इकट्ठे हो गए हां ते इह इक इंस्टीट्यूशन मंच तों इह गल कीती गई कि बहुत घट प्रेजेंस है बट जो काफला की शुरुआत होंगी है तो इस तरह होंगी है जोड़ा काफला जोड़ा अगर आप शुरू किया कोई शुरुआत नहीं आने वाले समय के आने वाले दिनों के काफला अगर बढ़ता जाएगा तो मैं आस है कि एक दिन अजिहा भी आएगा जो आप रियली वी विल फील कि जो सा मिशन है वो असी कामयाब हो गए हैं कि कोई चलान कटन तो पहला कोई सख्ती करन तो पहला लेट द पीपल बी मेड अवेयर कि जिहड़ी असी रूटीन दे विच रूटीन दी लाइफ दे विच प्लास्टिक दे नाल इन्ने नज़दीक तो जुड़े हुए हैं कि प्लास्टिक सवेर तो जे असी अर्ली इन दी मॉर्निंग उठते हैं तो शाम नूं सौण वेले तक मेरे ख्याल प्लास्टिक 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 ही हुंदी है। सरकार वालों मिशन दिता गया सो ये नहीं कि मिशन जिहड़ा है पहला कदे स्टार्ट नहीं सी होया पहला भी जिहड़े प्लास्टिक दे लफाफे सी बड़ी बार बैन होए चलान भी कट्टे गए बहुत सारे एफर्ट्स होए बट वो हाफ हार्टेड सी ते हुण वो चीज़ां जिहड़ियां इन्नियां कंप्लीकेट हो गई ने कि एक स्टेज आ गई आ कि सानू जिहड़ा हैगा बड़ा गंभीरता दे नाल सोचना पएगा कि इनफ इज इनफ लोगों नू मोटीवेट करन दे विच ते लोगों दे नाल हैंड होल्डिंग जिहड़ी आ करन विच से मैनू कारपोरेशन दे विच आए नू ज़्यादा समा नहीं होया बट जलंधर साहिब दीआं जिहड़ियां समस्यावां ने खास करके गारबेज की जिहड़ी समस्या है बड़ी भयानक जिहड़ी है वो कुछ दिनों तो हुई है ते उहदे विच जे आपां कहीए कि प्लास्टिक का भी बहुत वड्डा योगदान है। सो असी उहदे लई एफर्ट्स कर रहे हैं ते मैनूं आस है कि साडी जिहड़ी स्ट्रैटजी है वो डेफिनेटली उहदे विच सानूं सफलता मिलेगी ये नहीं कि जल्दी सफलता मिलेगी वी विल हैव टू स्ट्रगल परसिस्टेंट एफर्ट्स एंड परसिस्टेंट स्ट्रगल प्लास्टिक का नहीं होगा। सो डॉक्टर साहब ने डॉक्टर श्री कृष्ण जी ने बड़े एलैबोरेट उन्होंने मतलब बहुत ही क्लोजली चैप्टर नू टच किया तो जिहड़ियां गल्लां सानू नहीं पता वो सानू उन्होंने जागरूक किया तो जिहड़ी इस मटीरियल दी जो साइड इफेक्ट्स ने कॉन्सीक्वेंसिज ने डेली लाइफ के उहदे बारे सानू दसिया चानना पाया कह रहे हैं ट्रेडर तो समझदार ने जी मैनुफैक्चर है आप क्यों नहीं रोक पाते जो जिले वाइज ही मैनुफैक्चर रोक लीए जो सा कमिश्नर साहब ने डीसी साहब आए थे आप जितने जितने मैनुफैक्चर होती है प्लास्टिक की जी आप खरीद के लिया जो मैनुफैक्चर का लसेंस कैंसल कर दिया जाए वो तो पुलिस को इन्ने अधिकार दिए जा डीसी साहब वालों जो अपने विधानसभा जो अधिकार पास करके पुलिस कमिश्नर सीधे तौर पर अधिकार दिए जा जब अपने अपना चौंका के आप नाके ला खड़े हाँ आप कार का चलान खड़े ड्राइविंग लाइसेंस नहीं करो कागज नहीं कोई लफाफा ला के जा रहा है वो भी तलाशी हो सकती है उत्तर भी कितने कोई प्लास्टिक का समान करे कुछ बहुत सारी सख्त गलत एक गल जी करना चाहवागा कि प्लास्टिक जी जिन्हों आप खत्म करने की कोशिशा करते हैं वो चाइना चो आ रही है बंगलादेश चो आ रही है या यूरोप चो आ रही है ये तमाम फैक्ट्रियां जिहड़ियां वह किस थान उत्ते स्थित है वो फैक्ट्रियां के उत्ते लगाम क्यों नहीं लगाई जा रही एक रेहड़ी वाला जो कोई सब्सटीट्यूट ना मिलेगा वो दूसरे सब्सटीट्यूट के उत्ते चल जाएगा।